प्रातः क्लास चल रहा था 24/12/1967 रविवार को 30 रुपीज की मध्य में बात चल रही थी कि उल्टे उल्टे संकल्प मनसा तक भी नहीं आवे। अगर मनसा में भी अंत समय कुछ याद आ जाएगा तो फिर नापास हो जाएंगे। वो हनुमान मिसल बनो, जो हनुमान के लिए कहते हैं कि भाई वो पैर लगाया जमाया और रावण वो सब पांव को हिला ही नहीं सका। तो ये बुद्धि रूपी पांव है, इसको ऐसा थ्री स्त्रियम करके रखना है कि माया रूपी रावण उसे हिला ही न सके। उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। तो वो तो बच्चों को ही मेहनत करनी पड़ती है, अपनी बुद्धि को एकाग्र करने की अभी तो बहुत। बाप खुद देखते रहते, बाप के सन्मुख देखते हैं तो ऐसे ऐसे काम करते हैं। जो भरतनाट्य पहनी है ना, बिल्कुल ही ऐसे है। हाँ है, और मेरे लाल भी है। जैसे कोई बाप होते हैं ना बच्चे 10-8 बच्चे होंगे तो कोई ना कोई के ऊपर प्यार जास्ती होगा, किन्हीं के ऊपर जो उनका वफादार आज्ञाकारी फरमान बरदार होगा। तो वो बाप उनको प्यार से वफादार है ना, फरमान बरदार है, बहुत प्यारी लगती है। तो पवित्र और शांति और सुख सब कुछ मिलता है इन पांच विकारों के ऊपर। न जीत पैनी तो वो थोड़े ही कुछ पावेंगे, नहीं तो बाप कहते हैं मीठे बच्चों कल्प कल्प तुम जानते हो, और कल्प कल्प बरोबर हम बाप से वर्षा लेते हैं, ठीक है ना। तो वो खुशी का पारा चढ़ता रहना चाहिए और तुम बरोबर अच्छी तरह से जानते भी हो कि बाबा आया हुआ है। तो वो दुनिया में कितना भी हंगामा हो और कितना भी धमचक्कर हो तो भी ये निश्चय बुद्धि रखना है कि स्थापना तो जरूर होने की है, हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि स्थापना तो ड्रामा प्लान के अनुसार है ना। तो जैसे स्थापना तो हुई पड़ी है ना,
ये भारत ये सारी दुनिया ये तो सब कब्र दाखिल होने के जरूर है ना, क्योंकि हम पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। कलप पहले मुआफिक और ये सब कब्रस्तान बन नहीं है, जिसके ऊपर फिर परिस्तान। देखो ऐसे होता है ना बच्ची, पुरानी जो इस चीज कोई टूटती है ना तो फिर उनके ऊपर नई चीज बनती है, तो उसको कहेंगे कब्रस्तान और उनको कहेंगे परिस्तान। अब देखो ये दिल्ली है, उसको कहते हैं ना न्यू दिल्ली। अभी तो वो पुरानी दिल्ली है, पर देखो उन अंग्रेजों ने उसको न्यू दिल्ली कर दिया। अरे उनको तो मालूम ही नहीं है, अभी न्यू दिल्ली तो आने वाली है ना बच्चे, और न्यू दिल्ली है तो कहां ही जाएंगे, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली ऐसे ही कहा जाएगा ना। अभी तो पुरानी वर्ल्ड में न्यू दिल्ली बनाइए, अब वो तो कोई बात ही नहीं हुई ना। बाकी होना चाहिए न्यू वर्ल्ड में नई दिल्ली, न्यू दिल्ली तो न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली तो परिस्तान थी, और ये राज्य था। देखो तो बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि कैसे ये 84 का चक्कर, ये सीढ़ी देखो कैसी अच्छी बनाई है, वो भी तो देखो। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं कि कितना सहज हम सिखलाते हैं, तो भी मनुष्य समझते नहीं है, है ना। तो वो उनके लिए भी तो हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं। 24/12/1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। फिर कहते हैं घर वाले भी बहुत हैं जो नहीं समझते हैं, घर में बैठे हुए साकार के कंठे पर बैठे हुए, अरे वो भी नहीं समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, अरे बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। और समझे तो दूसरों को समझाए ना बच्चे, जो गाते भी हैं धन दिए धन ना खूटे, क्योंकि तुम हैं अंग्रेजी में उनको कहा जाता है दानी महादानी, है ना। तो वो लोग उनको अंग्रेज लोग फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, और यहां तो महादानी कहते हैं ये भारत के लोग। तो वो बहुत जो अस्पताल बनाते हैं, जो ये धर्मशालाएं बनाते हैं, वो तो उनको कहा जाता है महादानी इस दुनिया में। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप ने तो ये सब समझाया है,
कि जो कुछ करते हैं वो दूसरे जन्म में वो अल्पकाल के लिए क्षण भंगुर उनका वर्षा मिल जाता है। ऐसे तो नहीं कि जन्म जन्मांतर मिलेगा, अगले जन्म के लिए मिलता जरूर है, परंतु एक जन्म के लिए। समझो, कोई ने धर्मशाला बनाई तो उनको मकान का सुख मिल जाएगा और वो मकान का सुख होगा उनको जरूर, क्योंकि औरों के लिए जो सुख बनाया है तो वो खुद के लिए भी तो सुख पाएगा ना, तो वो फिर है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख, वो दूसरे जन्म में उनको मिल जाता है। ऐसे तो नहीं कि जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाता है और सदाकाल सुख ही का ही वर्षा मिलता है, जैसे तुम बच्चों को स्वर्ग में तो सुखी ही सुख होगा ना, अल्पकाल का तो नहीं होगा ना। तो वो तो दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, अस्पतालें बनाते हैं, फलाना बनाते हैं, टीरा बनाते हैं, साहूकार तो बहुत धन देते हैं, बहुत अथाह धन देते हैं, तो जाकर के कोई राजा के घर में भी जाके जन्म ले लेते हैं और बाय चांस ना लिया तो कोई बड़े साहूकार के घर में भी जन्म लेते हैं। तो तुम फिर पढ़ाई से और वो तो दान से, और तुम यहां फिर पढ़ाई से लेते हो, तो तुम जानते हो कि पढ़ाई से भी है, क्योंकि यहां तो पढ़ाई भी है, और फिर ऐसे नहीं कि दान नहीं है, दान भी है, क्योंकि यहां तो तुम कोई पापी को दान थोड़े ही करते हो, उस दुनिया में तो सब पापी है ना, यहां तो तुम डायरेक्ट बाप को करते हो, और वो जो भक्ति मार्ग में करते हैं वो इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं कि हमने भगवान के अर्थ दिया, और यहां तो डायरेक्ट डायरेक्ट बाप आया हुआ है ना। हाँ, तो बाप बैठ करके समझाते हैं ना कि मैं तो ऊपर से आता हूं ना, और तुम मुझे बुलाते हो ना कि आओ, तो आ करके हमको ऐसा बना हो, तो ये पढ़ाई है, वो इस पढ़ाई से बनती है, क्योंकि शिव बाबा के पास तो कोई धन होता नहीं है, है? और ये तो जानते हो कि ये दुनिया में तो सारा विनाशी धन है, आज होगा कल नहीं होगा, एक जन्म के लिए होगा, ऐसे तो नहीं जन्म जन्मांतर के लिए होगा, तो वो विनाशी धन है उनके पास है, बाप के पास अविनाशी ज्ञान रतन, तो वो देने से वो रतन को कहा जाता है कि एक एक रतन वर्थ लाख रुपया, लाखों रुपया कहते हैं ना, कहते हैं एक एक ज्ञान रतन लाख रुपए का है, तो भक्ति के लिए तो नहीं कहेंगे, भक्ति के लाख रुपया नहीं होते हैं, ज्ञान के लाख बनते हैं,
ये तुम्हारे ज्ञान धन ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन बन जाएंगे, क्योंकि यहां तो ज्ञान है ना, और वो तो है अंधश्रद्धा की भक्ति, उनका तो फिर और ही कम कहेंगे, क्योंकि भक्ति में तो गिरते जाते हैं ना, भक्ति में तो कोई ज्ञान ही नहीं होता है, जो लाख बने, और ये तो है ज्ञान, इसको कहा ही जाता है, और वो है भक्ति का ज्ञान, कि भाई भक्ति कैसे की जाए। तो उस भक्ति के वास्ते फिर शिक्षा देते हैं, तो उनको भी तो कहते हैं सभी कि भाई ज्ञान है इनको, है वो भी शिक्षा है, भक्ति की शिक्षा है कि भाई भक्ति कैसे की जाए। तो उनकी सभी शास्त्रों की शिक्षा है, और शास्त्र कोई एक के लिखे हुए तो है नहीं, शास्त्र तो अनेक ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, और यहां ज्ञान तो एक से आता है ना, तो वो हो गया विविचारी ज्ञान शास्त्रों का, और ये है अविविचारी ज्ञान, क्योंकि एक से आता है। तो देखो उन भक्तों को भी ज्ञान तो कहते हैं, तो देखो वो कहते हैं ना, शंकराचार्य भी तुम बच्चों को कहते हैं आओ हमारे से शास्त्रार्थ करो, अभी तुम तो शास्त्रों को तो भक्ति के शास्त्र मानते हो, गिराने के शास्त्र मानते हो, नहीं तो इस पुरानी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लो, है मेंटेलिटी गिरती गई है या चढ़ती गई है मनुष्यों की, गिराने के शास्त्र। तो अभी हम ये शास्त्रार्थ कैसे करेंगे, है? अब उनको तो नशा चढ़ा हुआ है भक्ति का, है का पारी नशा चढ़ा रहता है, तो इस समय दुनिया में वो का पारी नशा भक्ति का है उनको, और तुम बच्चों को तो ईश्वरीय ज्ञान का पारी नशा चढ़ा हुआ है, है? अब भी विचारी ज्ञान का पारी नशा चढ़ा हुआ है उनको भक्ति का। तो देखो रात दिन का फर्क है ना बच्चे, क्योंकि अभी तो तुमको भक्ति के पीछे मिलता है ज्ञान, और ज्ञान से कापारी नशा बादशाही मिलने का होता है, अरे वो भी विश्व की बादशाही का नशा। वहां तो देखो कोई को विश्व की बादशाही मिली क्या, कोई भी धर्म वालों को मिली क्या, भले मेहनत तो बहुत की है, कोशिश बहुत की, परंतु विश्व के ऊपर बादशाही तो कोई नहीं कर सके। हाँ यहां ये है कि भले तुम सबके लिए नहीं है विश्व की बादशाही एक जैसी, वो तो उन नंबरवार है ना, और नंबरवार भी क्यों है, पुरुषार्थ अनुसार है। अब जिसने आत्मा के लिए आत्मा अर्थ किया और जितना किया
उनको मिलते हैं। है तो वो तो जरूर जो जास्ती सर्विस करते होंगे, ईश्वरीय सेवा है ना, कोई स्वार्थ की सेवा थोड़ी ही है, देहधारियों की सेवा थोड़ी ही है, तो जो सर्विस करते होंगे उनको नशा भरा हुआ होगा अंदर में। और वो नशा जो यहां भरते हैं वो फिर वहां नई दुनिया में भी ऐसे नशा रहेगा ना बच्ची, लेकिन नंबर वार रहेगा, क्योंकि राजधानी में तो नंबर वार होते हैं ना कि एक जैसे होते हैं नंबर वार। तो वो तो गाया हुआ है ना बच्ची, क्या है, महारथी घोड़े सवार महावीर प्यादे सब नंबर वार। अच्छा महारथी घोड़े सवार प्यादे वो जाओ यहां दिलवाड़ा मंदिर में देखो जाके, है वहां देखो अच्छी तरह से सब डीटो डीटो एकदम। वो है जड़ पास्ट और ये तो प्रेजेंट है। जो अभी प्रेजेंट है वो फिर पास्ट हो जाएगा और जब पास्ट हो जाएगा तो फिर वही इस प्रेजेंट की तुम प्रारब्ध पाने के बाद वही फिर भक्ति में मंदिर बनावेंगे। परंतु ये तो सब बातें तुम बच्चों को मालूम है, बाकी ऐसे भी नहीं सबको एक जैसी मालूम नहीं, तुम बच्चों को भी पूरा नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि वो समझा ही नहीं सकते हैं, तो कहेंगे कि नहीं मालूम है। बाकी जो होते हैं बच्चे है, उनको तुम ले जाएगा वहां दिलवाड़ा मंदिर दिखलाने के लिए, तो उनको बोलेंगे देखो ये बाबा बैठा है, है और ये मम्मा है और ये तो जड़ मूर्तियों में दिखाए गए हैं और यहां यहां तो है ये चैतन्य में। तो जड़ और चैतन्य रात दिन का फर्क हो गया। अब इसको लिखना चाहिए सच्चा सच्चा दिलवाड़ा मंदिर, तो वो क्या हो गया, वो फिर हो गया झूठा। परंतु तुम अगर सच्चा सच्चा लिखेंगे ना यहां बोर्ड पर वो तो ठीक है, वो तो वहां झूठा हो जाएगा है तो, पर लिखेंगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। क्या वो लोग क्या करेंगे, बहुत झगड़ा करेंगे। हाँ कोई आकर के बोर्ड को काला कर देगा, नहीं तो तोड़ देगा, क्योंकि ये दुनिया सारी झूठी दुनिया है ना, सब के सब झूठे बरखिलाफ एकदम है ना। जैसे ये अंग्रेजी की भाषा के बरखिलाफ होते हैं, है होते हैं ना बच्चे, तो क्या करते हैं, तैसे ये सच के सभी हैं बरखिलाफ झूठे, जिनको विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। और फिर किनकी है विनाश काले प्रीति बुद्धि,
तो वो अलग हो गए। तो वो जो तुम अलग हो गए वो तो हो गुप्त, समझा ना। ओम शांति।